कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, हैरियत से होंगे। देसी खान एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि हम कद्दूगोश किस तरह बना सकते हैं। तो कद्दूगोश बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कद्दू चाहिए होगा। हाफ के जी हमने कद्दू ले लिए हैं, साथ में हमें दो प्याज, दो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च और धनिया वगैरह ले लिया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमने एक किलो मटन का गोश्त ले लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो कद्दू हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ की हुई है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो दोस्तों अच्छी तरह से हमने अपने कद्दू को साफ़ कर लेना है। तो इनको दोस्तों हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। आप इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में आप इसको काट सकते हैं। दोस्तों मटन हम अपने कुकर में डाल लेंगे, इसी के साथ साथ हमारा जो कद्दू हमने काट के रखा है वो भी हम इसमें डाल लेंगे। दोस्तों याद रहे हमने कद्दू को आधा किलो लिया और हमने एक किलो मटन का गोश्त लिया। इसी तरह हमने चॉप अनियन भी इसी के अंदर डाल लेने हैं। दो अनियन थे दरमियाने साइज के, और इस तरह हमने टमाटर भी दो दरमियाने साइज के काट के इसमें डाल लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी दोस्तों एक एक चम्मच हम एक टेबल स्पून इसमें शामिल कर लेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो भी चॉप की हुई हम इसमें डाल लेंगे। दोस्तों दो हम इसमें मिर्ची शामिल कर लेंगे, उसके साथ साथ थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्च भी शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी जवित्री के पीस शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता, और इसके साथ साथ हम बड़ी और छोटी इलायची भी शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी लौंग शामिल करेंगे, और एक टीस्पून दोस्तों हमने इसमें नमक शामिल किया है। थोड़ी सी हमने हल्दी शामिल कर लिया है। टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च शामिल कर लिया। थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर लेंगे दोस्तों, इसी तरह तकरीबन हाफ लीटर के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। को दोस्तों बंद करके हम इसके ऊपर वेट ऐड कर लेंगे, और इसको 12 से 14 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पका लेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। दोस्तों अगर 12 से 14 मिनट में हमारा गोश्त नहीं गलता तो हम इसको 2 से 3 मिनट और भी प्रेशर कुकर लगवा सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। कढ़ाई में थोड़ा सा आयल या घी जो आपको पसंद हो वो डाल के इसको गर्म कर लेंगे। इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हम धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे, कुछ कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। दोस्तों जो हमने प्रेशर कुकर में किया होगा अपना मिक्सचर वो उसको हमने कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। कढ़ाई में ऐड करने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। से 4 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड कर लेंगे ताकि इसका जायका और अच्छा हो जाए। दोस्तों जो प्रेशर कुकर में पानी बचा होगा वो भी हम कढ़ाई में शामिल कर लेंगे, और इसी के अंदर अपने गोश्त को पकाएंगे। थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल कर लेंगे, और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही मज़े का
हमारा जो कद्दू गोश्त है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों। और जो हमारी रेसिपी है दोस्तों वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और अच्छी अच्छी आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।